गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कई लोग जो कर्म योगी हैं जो मेडिटेशन नहीं करते, ऑल दो मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद भी ऐसे लोगों को हम कैसे लाइफ में एक्साइटमेंट बना के रखें। अगर ऐसे लोगों को मुझे कुछ सजेशन देना हो जो मेडिटेशन और योगा नहीं करते हैं, और वो लोग जो योगा और मेडिटेशन करते हैं या सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, उसके अलावा भी जब आप मेडिटेशन करते हो उसके अलावा भी आपकी जो लाइफ में एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। लाइफ में जो एक 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 सर्टेन पॉइंट के बाद एवरीथिंग बिकम्स रिपीटेटिव एंड इट्स क्वाइट बोरिंग, बिकॉज जॉब अगर है तो जॉब में आप कुछ पॉसिबल कर नहीं सकते नया। इसके अलावा अगर आप अपना काम करते हो तो बहुत कम लोग अपना काम करते हैं, तो उसमें हम कुछ नया कैसे फाइंड करें? तो लोग बोर हो जाते हैं बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स रिपीटेटिव, वहाँ पे एक लूप में चीज़ें चली जाती हैं। तो आज का जो जो पॉडकास्ट है वो इस बारे में है कि भाई हम कैसे अपनी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बना के रखें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बना रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप को लगे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रही हैं चीज़ें। तो उसी पे हम बात करेंगे। तो आज से कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले की बात है, मुझे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती थी। मेंटल हेल्थ मेरी वीक होती जा रही थी। डिप्रेशन का शिकार तो नहीं था, मतलब आता जाता रहता था, उतना डीप नहीं जा रहा था, मतलब अगर चला ही जाता, अगर अगर कोई चीज़ ना होती जो होने वाली थी वो, तो मैं चला जाता डिप्रेशन में भी। तो अब सवाल ये आता है कि वहाँ पे एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में, 7 साल पहले की बात है, जहाँ पे मुझे ये लगा कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना है, मेडिटेशन और सेल्फ नॉलेज के रास्ते पे। अब जो आत्मज्ञान और मेडिटेशन का रास्ता पे चलने के बाद जब 3-4 साल 5 साल बीत गए, तो जैसे जैसे मेरी समझ गहरी होती गई, मैंने ये देखा कि सिर्फ इस नॉलेज से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग भी सीखनी होगी। तो वो भी किया। जब वो किया तो मैंने फिर देखा, फिर से लाइफ में एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि अगर लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है तो हम लाइफ में एक्साइटमेंट लाए कैसे? और अगर मेडिटेशन से वो चीज़ सॉल्व नहीं होती तो हम उसको कैसे करें? अगर योगा से सॉल्व नहीं होती तो हम उसको कैसे करें? तो और क्या जड़ है, और क्या जड़ है? क्या लाइफ का मतलब, एक्साइटमेंट लाने का मतलब ये है लाइफ में? लाइफ में वाइब्रेंस लेने का मतलब ये है कि हम अपनी कार उठाएं और हम उत्तराखंड निकल जाएं, या हम स्विट्जरलैंड निकल जाएं, हम टूर करें, ट्रैवल करें, हाँ, और उसके बाद वहाँ से स्टेटस डालें, फोटो को स्टेटस डालें और हम जलाएं लोगों को? यही तो लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं इसके अलावा? और आदमी क्या कर रहा है आप मुझे बताइए। या तो आदमी जो गरीब है वो आदमी क्या कर रहा है, अपना काम करता है, वो भी लूप में फंसा हुआ है, वो भी एक रिपीटेटिव मोड में फंसा हुआ है। और एक आदमी जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो भी एक लूप में फंसा हुआ है। क्योंकि आप अमीरियत के बाद, अमीर होने के बाद, आप ये नहीं कर सकते हो कि आप हमेशा आप चांद तारों पर चले जाओ या वहां पे आप दूसरे प्लैनेट्स को जाके खोजो। आप एक चीज करोगे तो बार बार ही करो। अगर आप हुक्का पी रहे हो महंगे वाला, तो हुक्का कब तक पियोगे आप? अगर आप जैक डैनियल्स पी रहे हो, दारू महंगी वाली, तो आप कब तक पियोगे? अगर आप प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, अलग अलग जिस्मों के मजे ले रहे हो, तो कब तक करोगे तुम इसको? पैसा इस चीज का आंसर नहीं है कि लाइफ में एक्साइटमेंट कैसे लाएं, क्योंकि पैसा आने के बाद चीजें रिपीटेटिव हो जाती हैं। तो जब मुझे यह पता चला कि मेडिटेशन और सेल्फ नॉलेज को लेके मैं आगे बढ़ सकता हूं, अपनी लाइफ में जो एक्साइटमेंट है उसको खत्म कर सकता हूं, सॉरी उसमें और लाइफ का जो एक्साइटमेंट है वो मैं बढ़ा सकता हूं, तो मुझे एक चीज एहसास हुई कि ये करने के बाद भी कि मैं ब्रह्मांड हूं, मेरी जो सफरिंग है वो खत्म नहीं हो रही है। फिर मैंने थ्रू द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस चीज को नोट करना चालू किया कि आपको इंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। बिना इंगेजमेंट के यू विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, और यू विल बी सर्वाइविंग विद अ डिजीज और अ लूप प्रोसीजर और अ लूप रेपिटेटिव मूड।
दैट्स इट। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसे 3-4 साल पहले की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर बाइक लेके अपनी निकल जाऊँ पहाड़ों पे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है लाइफ में, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो 2019 में एंड में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मतलब सही काम करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। फिर मैं कर्नाटका चला गया, कर्नाटका में मैं 6 महीने अकेले था, वहाँ पे 20,000 रुपये के फ्लैट में रह रहा था रेंट लेके, और रोज़ मैं कहीं ना कहीं निकल रहा हूँ, चिकमंगलूर, कभी इधर नेशनल पार्क बाइक से, कभी इधर कभी उधर, कोयम्बतूर जाने का मेरा प्लान था, कूर्ग वगैरह ये सब जो जगहें हैं वहाँ पे, तो ये सब जगह मैं हो के आता था। आफ्टर 6 मंथ्स आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि आई एम स्टिल, देयर इज लाइफ में कुछ कमी है, लाइफ बोर हो रही है, पैसा होने के बावजूद भी, ट्रैवल करने के बावजूद भी, क्योंकि ट्रैवल का अगर आपके अंदर मिथ है कि भैया ट्रैवल से जिंदगी संवरेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रैवल से कोई जिंदगी विंदगी संवरती नहीं है, ये सिर्फ नाटक है। इंस्टाग्राम पे जो लोग दिखाते हैं ना कि हम पहाड़ों पे, क्योंकि वो पहाड़ में एक्चुअली कुछ फील नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो पहाड़ों पे फोटो दिखा रहे हैं, जबकि पहाड़ों पे आदमी जाके अगर आप देखो तो आदमी फील करना चाहिए। आप फोटो क्यों डाल रहे हो? आप अगर ध्यान से देखिए तो लोग गांजा पीते हैं मनाली जाके, लोग लैंस डाउन जाएंगे गांजा पियेंगे, लोग वहां पे हुक्का और दारू पियेंगे, बियर खोलेंगे, बियर की बोतलें खोलेंगे। अगर तुम्हें, जब तुम माउंटेन में ही मजा नहीं आ रहा तुम्हें, जब तुमको बियर ही पीना था तो तुम माउंटेन क्यों जाते हो? अब कुछ लोग कहेंगे अरे तुमको नहीं पता भाई, पहाड़ों के ऊपर नशा करो उसकी बात ही अलग है। तो कब तक करेगा तू, कब तक करेगा नशा भाई? एक बार करेगा, दो बार करेगा, पहली बार मजा आ गया, दूसरी बार मजा आ गया, तीसरी बार मजा आ गया, चौथी बार मजा आ गया, जा करके देख क्या भाई। ये जो पहली पहली बार वाले ना, पहली पहली बार बलिए दिल गई, पहला पहला प्यार है, अरे भैया पहला है इसलिए मजा आ रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने ये बोला कि रिपीटेटिव मूड नहीं जाना चाहिए। जब तुम कोई चीज 10वीं 12वीं बार करते हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भैया इसका क्या सिस्टम है। पहला प्यार, पहली दारू, पहली सिगरेट, ये सब मजा देती है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, समझना ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि मेडिटेशन करने के बाद भी, घूमने के बाद भी, मैं कर्नाटका गया, वहां पे इतना घूमा, अपनी मनपसंद बाइक खरीदी, ये किया वो किया, मतलब जो मर्जी आया वो किया, फ्लाइट से जा रहा हूं, फ्लाइट से आ रहा हूं, मुझे एक चीज रियलाइज हुई, और ये भी गिवन करना जरूरी है यहां पे, कि आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब क्या कि मेरे को इतनी समझ हो चुकी थी कि मैं कौन हूं, मतलब ये कह सकते हो कि आई वॉज सेल्फ रियलाइज्ड, ये 3 साल पहले की बात है। अब जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ रियलाइजेशन कोई एक पॉइंट नहीं है कि आप पहुंच गए और आपको मिल गया, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया और आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। सेल्फ रियलाइजेशन इज लाइक मसल। मसल मतलब क्या होता है? आज आपने प्रैक्टिस करी तो आपकी जो मसल है वो 16 रहेगी, बाइसेप्स आपकी 16 रहेगी। अब बाइसेप्स 16, आप क्या लगता है आपको 16 पे पहुंचाने के बाद बाइसेप्स हमेशा 16 रहने वाली है? अरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बाइसेप 16 रहेगी, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया, अभ्यास छोड़ दिया, रियाज छोड़ दिया, तो बाइसेप 16 से गिर के वापस 10 पे आ जाएगी। तो समझने की कोशिश करिए कि इस ये एक कंटिन्यूअस अभ्यास है आखिरी सांस तक, ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप पहुंच गए, मजा आ गया, अब हो गया, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, अब हम गए मार्केट से, हम जाके मैगी ले आए, अब मैगी पूरी जिंदगी हमारे पास पड़ी रहेगी, या मार्केट से हमने कार खरीद ली, वो कार हमारे साथ पूरी जिंदगी पड़ी रहेगी, ऐसा ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड इससे ये समझना नहीं है। और सेम गोज विद द क्वेश्चनिंग, सेम गोज विद द ऑब्जर्वेशन। इफ यू एक्वायर द ऑब्जर्वेशनल स्किल, दैट डजंट मीन द ऑब्जर्वेशन स्किल इज गोइंग टू बी शार्पर, वो वापस जा सकती है, वापस ब्लंट हो सकती है। ऑब्जर्वेशन जो स्किल है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन होती है, वो धीरे धीरे आप मास्टर करते हो, लेकिन मास्टर करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप वापस बेसिक लेवल पे नहीं आओगे। सेम गोज विद द वैराग्य,
वैराग प्राप्त हो गया मुझे भैया, सर सर मुझे वैराग प्राप्त हो गया है, मुझे कुछ समझ, मुझे ना कुछ करने का मन नहीं करता। अरे मैं समझ गया हूं मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मुझे कुछ समझने, अरे आप और संदीप महेश्वरी के बराबर मेरी नॉलेज है। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास बोलने के लिए। मैंने कहा ठीक है, वो ठीक है, ये वैराग्य नहीं है, ये आलस्य है। ये वैराग्य और आलस्य में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की छत अभी तुम्हारे ऊपर है तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तुम सुबह उठते हो, तुम्हें नाश्ता मिल जाता है, अभी नाश्ता मिलना बंद हो जाए, खाना पीना आना बंद हो जाए, तुम बाहर रिक्शा चला रहे होगे, तब तुम्हारा जो आलस्य है वो नहीं आएगा। तो ये जो एक्टिविटी है ना लोगों की, जो ईमेल आते हैं मेरे पास कि वैराग प्राप्त हो गया हमें, अरे प्राप्त कुछ नहीं होता है, प्राप्त होने के बाद छूट भी जाएगा तुरंत। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसको निरंतर करते रहना होता है। कब तक? आखिरी श्वास तक, आखिरी श्वास तक आप करते ही रहिए। ये कोई स्विमिंग नहीं है, कोई ड्राइविंग नहीं है कि एक बार सीख लिया तो आप डूबोगे नहीं, कि एक बार सीख लिया तो आप आजीवन चलाते रहोगे। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें, ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको समझना होगा अच्छी तरह, निरंतर आपको इसको इसको क्वेश्चनिंग करनी होगी। मेरा कुछ करने का मन नहीं लगता, अरे आप आलसी हो, आपको वैराग्य प्राप्त नहीं है। क्योंकि जिसको यही नहीं पता कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो इंसान पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है, वैराग्य का मतलब क्या होता है, वो आदमी बियॉन्ड डिजायर, जिस आदमी के अंदर कोई डर और कोई डिजायर उसके ऊपर हावी ना हो सके। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई डिजायर हावी होगा ही नहीं, इसका मतलब यह है कि आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, घोड़ा आपके ऊपर नहीं बैठा है। तो आप चाहो तो किसी भी दिशा में काम कर सकते हो, लेकिन आप यह कह रहे हो कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आप आलसी हो। क्योंकि अभी भी आप एक कंपल्शन में हो, अगर आपको काम करने का मन नहीं लगता तो आप फिर से आप एक कंपल्शन में आ गए। एक कंपल्शन ही तो सारी चीजों का जो जड़ है, सारी चीजों का कंपल्शन खत्म करने के लिए तुम सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मज्ञान और मेडिटेशन के रास्तों पर गए थे, और कंपल्शन दोबारा तुम्हारे अंदर आ गया कि मुझे काम करने का मन नहीं करता। प्रॉब्लम यह नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा अपने दिशा को, अपने घोड़े को आप खुद चला सकते हो, अपने आप को दिशा दे सकते हो। इमीडिएट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, इस वजह से शायद तुमको लग रहा है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं लगता, ये आलस्य है, ये वैराग्य नहीं है। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। अब सवाल ये होता है, ऑल द वैसे जो लोग अभी जो सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, पुराने में मैं ये सब ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और बीच बीच में बताता रहता हूँ बार बार, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो बताना ज़रूरी है बार बार। तो अब सवाल ये आता है कि जब मैंने अपनी ये मेडिटेशन की यात्रा करी तो मुझे समझ में आया कि पैसा कमाया, सब कुछ किया और घूम रहा था मैं, मतलब मैंने कर्नाटका घूम डाला। कर्नाटका एक बहुत ही प्यारी जगह है, जो लोग कर्नाटका से, हैट्स ऑफ, बहुत प्यारी जगह है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया कर्नाटक, मतलब आप उत्तराखंड से अच्छा कर्नाटका बोलूंगा मैं, ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट पता नहीं वहां की एक बात है, साउथ इंडिया की एक बात है, साउथ इंडिया में ना चीजें लेट जाती हैं, मतलब अगर कोई चीज ऑब्सोल्यूट हो रही है नॉर्थ इंडिया में तो वो कल्चर ऑब्सोल्यूट होगा साउथ इंडिया में 15 साल बाद। ये बड़ी अच्छी चीज है, जो भी इन्वेजन हो रहा है वेस्ट से, जो भी पश्चिम से इन्वेजन होता है, चाहे वो जो भी कल्चरल इन्वेजन हो रहा है अभी पश्चिम से इधर, वो पहले नॉर्थ आता है फिर साउथ आता है। तो साउथ में अभी भी जैसे कि टेम्पल में लोग जाके बैठते हैं और टेम्पल का सही मतलब उनको पता है, कि टेम्पल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी वहां पे जाओ और 5 रुपए डालो या 100 रुपए डालो और भगवान से कुछ मांगो, टेम्पल का मतलब ये नहीं होता। टेम्पल इज द सिंबलिज्म ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द बॉडी।
इसीलिए सेंटर पॉइंट पर मंदिर होता है हमेशा टेंपल में, अगर टेंपल सही बना है तो। पुराने सारे टेंपल में सेंटर पॉइंट जो होगा टेंपल का, वहां पे कॉन्शियसनेस होता है, वहां पे एक मूर्ति होगी, दैट इज द सिंबलिज्म। सो वहां पे आपको जाके बैठना होता है, जब आप वहां पे बैठते हो तो आपको एनर्जी फील होती है। पर नॉर्थ में वो चीज अभी जा चुकी है, नॉर्थ में एक कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन है, वो चीज साउथ में अभी भी है, तो साउथ में भी जाएगा 10-15 साल बाद चला जाएगा। जो भी नॉर्थ में जाता है वो साउथ में बाद में जाता है, ये बड़ी अच्छी चीज है हमारे इंडिया की। तो अब सवाल ये आता है कि जब मैं ये पूरा घूमा, भ्रमण किया, मेरे अंदर एक इल्यूजन था, जब मैंने बोध किया, लोग बोल पहले से ही रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, ये फाइनेंशियल हो मजा, फाइनेंशियल अगर अचीवमेंट है कुछ, लेकिन विश्वास नहीं होता ना माइंड को। तो जब मैंने उसका बोध किया तब मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैंने कहा भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। मैंने पिछले उस समय, मेरे को 5 साल हो चुके थे स्पिरिचुअलिटी में, मैंने कहा मैंने 5 साल लगा दिए, ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा माइंड खाली है तो उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तब मुझे समझ में आया एक बहुत ही बड़ी चीज़, फिर मैं क्वेश्चनिंग के उसमें गया, और फिर आज 2022 में वो चीज़ डिस्कवर हुई है, और अब मैं आपको वो चीज़ रिवील कर रहा हूँ। हमारा माइंड ना, एक पर्टिकुलर क्वालिटी हमारे माइंड की, जैसे कि इस दुनिया में सब कुछ एक कांस्टेंट इंगेजमेंट में है, कांस्टेंट मोशन में है, वैसे हमें भी एक कांस्टेंट मोशन में रहना है। मतलब क्या, हमें एक इंगेजमेंट चाहिए, मतलब क्या, हमें चुनौती चाहिए हर समय, हर समय हमें चुनौती चाहिए। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसको अनजाने में करते भी हैं, मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा। देखिए मेडिटेशन योगा क्या करेगा, आपके अंदर का जो कचरा है वो खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद दोबारा कचरा बनेगा या दोबारा वो जो सफरिंग है वो खत्म होगी या नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो होती भी नहीं है, क्योंकि आपको फंडामेंटली बनाया इसलिए गया है जिससे आप इंगेज हो सके। आप क्या चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊं और कुछ मुझे डिस्टर्ब ना करे, ऐसा नहीं है। लाइफ में हर समय पीस की जो स्टेट है वो मेंटेन नहीं होती है, आपको कुछ चुनौती चाहिए, आपको हमेशा कुछ चुनौती चाहिए भैया। तो अब सवाल ये आता है कि कई लोग, अब ध्यान से सुनना, यहां से ब्रेक थ्रू पॉइंट आ रहा है, मैं पूरा एकदम इसको अगर पकड़ लोगे ना तो आपकी जिंदगी एक नए डायरेक्शन में निकल सकती है। देखो मैं एक म्यूजिशियन हूं, मैं 14 साल से म्यूजिक कर रहा हूं, ठीक है। 2019 में मेरे को समझ में आया कि मार्केटिंग की क्या वैल्यू है, और 18 में मुझे समझ में आया, और 19 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी है चालू कर दी। अब क्या हुआ कि मेरे पास मार्केटिंग का भी एक फंडामेंटल रास्ता था और म्यूजिक का तो था ही। तो अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब मैं मार्केटिंग में घुसा और जो मुझे उसका स्वाद या हवा लगी उससे मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला। अब यहीं पे प्रॉब्लम होती है, लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लोग या तो एक काम पकड़ लेंगे और उस काम को करते रहेंगे रिपीटेडली, एक ही रूटीन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक ही चीज चल रही है। जाओ सुबह, जैसे आप अगर आप एक डॉक्टर हो, सुबह जाओ पेशेंट देखो, कौन से पेशेंट देखो, वही जनरल फिजिशियन वाले, वही सर्दी खांसी जुकाम, वापस आ जाओ। अब क्या होगा, ऐसा डॉक्टर क्या करेगा, जब पैसा आएगा तो पैसे को इन्वेस्ट करेगा किस चीज में, सेंसरी प्लेजर्स में। क्यों, क्योंकि उसकी जो वर्क लाइफ है वो एक रिपीटेटिव मोड में है, ध्यान देना। और जो नौकरी वाला इंसान है उससे ज्यादा रिपीटेटिव मोड में तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जो नौकरी कर रहा है उसके पास ऑप्शन तक नहीं है कि वो कुछ नया कर सके, अपनी जिंदगी में चुनौती ला सके। एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, वो अभी स्टेथोस्कोप जिससे खांसी चेक करते कान में लगा के, और वो चेक करते हार्ट बीट चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के देखने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अभी स्टेथोस्कोप चलाने की चुनौती है। जब आप एक मेडिकल स्कूल में होते हो
तो आपको सर्जरी करने की, डाइसेक्शन करने की, इन सब की चुनौतियां आपके सामने होती हैं। द मोमेंट यू कॉन्कर्ड डाइसेक्शन और सर्जरी, वो एक रिपीटेटिव मोड में चला जाता है। अब क्या होता है, एक दो साल तो बड़ा मजा आता है कि अरे वाह, मैं तो एक सर्दी खांसी जुकाम और जो भी दवा मेरे से पूछो, जो भी किसी भी तरीके की जॉइंटिस बता दूंगा देख के, और येल्लो फीवर बता दूंगा, कॉलरा बता दूंगा, कॉलरा के सिम्टम्स बता दूंगा, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम बता दूंगा, अर्थराइटिस के सिम्टम बता दूंगा। अरे भाई मेरा देखो, शुरू में बड़ा मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि चुनौती है। जब तक वो सीख नहीं रहा है, ध्यान देना, जब तक वो सीख नहीं रहा है तब तक तो उसकी लाइफ में एक गोल है, एक लक्ष्य है। जैसे ही उसकी लाइफ में वो लक्ष्य अचीव हुआ, अब वो रिपीटेटिव हो जाता है चीजें, अब वहां पे कोई स्कोप नहीं है नया। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया ऑलरेडी। यू आर अ प्रैक्टिस्ड म्यूजिशियन, यू आर अ प्रैक्टिशनर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन देयर इज नो चैलेंज, देयर इज नो गोल, सो लाइफ बिकम्स रिपीटेटिव। नाउ दिस माइंड इज सेम इन द डॉक्टर, इन द म्यूजिशियन और एनी काइंड ऑफ ह्यूमन बींग। किसी भी मनुष्य में माइंड माइंड होता है, माइंड अलग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। माइंड की जो फितरत है वो सेम है। अब क्या होगा, ध्यान देना, माइंड जैसे ही रेपिटेटिव मूड में जाएगा, लूप में जाएगा, होगा क्या कि उसको ऑटोमेटिकली ये सेंसेशंस होंगी कि वो सेक्स में इंडल जो, फूड में इंडल जो, एक रेपिटेटिव मूड आएगा, अल्कोहल में इंडल जो, कि चलो अब लाइफ में कुछ है नहीं, नया तो कुछ है नहीं, उसको पता भी नहीं प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये डायग्नोस तक नहीं है। वो दूसरों को तो डायग्नोस कर रहा है, वो डॉक्टर जो है वो दूसरों को डायग्नोस कर रहा है उसकी बीमारियां क्या है, लेकिन खुद का डायग्नोसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कभी अंदर पलट के नहीं देखा, अंतर्दृष्टि नहीं हुए कभी हम, कभी हमने ये नहीं देखा कि लाइफ एनर्जीज कैसे काम करती हैं, कभी हमने ऊर्जा की प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं करी, कभी हमने मनुष्य के मन की प्रकृति को समझने की, उसका निरीक्षण करने की अनिवार्यता नहीं समझी हमने। उसके चक्कर में क्या होता है, हम पैशनेट हैं म्यूजिक के लिए, हम पैशनेट हैं डॉक्टरी के लिए, हम पैशनेट हैं बैंक की तैयारी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए हम पैशनेट हैं, पर हम माइंड और बॉडी के लिए पैशनेट नहीं है, जिससे हम चीजें अचीव कर रहे हैं, जिससे हम पैसे कमा रहे हैं, जिससे हमें करोड़पति होना है, जिस चीज को, जिस मीडियम को यूज करके, उस मीडियम को हम समझने के लिए रेडी नहीं है। इससे बड़ी बेवकूफी मैंने आज तक मनुष्य जाति में कहीं नहीं देखी। आज जिस बाइक से तुम भारत भ्रमण करने की बात कर रहे हो, तुमने भारत का नक्शा समझ लिया, जहां जहां जाना है वो समझ लिया तुमने, वहां पे अंदर क्या क्या करना है वो समझ लिया तुमने, लेकिन तुमने अपनी बाइक नहीं समझी तो तुम क्या बाइक चलाओगे? तो अब सवाल ये आता है कि जब ये डॉक्टर है, डॉक्टर सर्दी खांसी जुकाम कॉलरा जॉन्डिस ट्यूबरक्लोसिस ये सब देख लेता है, उसके बाद इसकी लाइफ रिपीटेटिव मोड में चली जाती है, और ये आदमी दारू पीता है, सिगरेट पीता, हाउस पार्टीज करता है, और उसके बाद दुनिया के सारे जो सेंसरी प्लेजर्स है वो लेता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि हम जब सेल्फ रियलाइजेशन या मेडिटेशन के मोड़ पे भी जा रहे हैं, उस रास्ते पर भी जा रहे हैं, उसके बाद भी हमें एक फंडामेंटल जो सफरिंग है वो बनी रहेगी। वो सफरिंग है कि देयर इज नो चैलेंज इन लाइफ, लैक ऑफ चैलेंज। और मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि एंटरप्रेन्योर भी ये अनजाने में करता है। कैसे करता है? जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेस ग्रो कर लिया है, आपने देखा होगा एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो हमेशा करते रहते हैं। कितने लोगों ने देखा है ये चीज? बहुत सारे लोगों ने देखा है, राइट? वो हमेशा ये करते रहते हैं, हमेशा ये बात करते रहते हैं कि अब बिजनेस है। उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो क्यों जा रहे हैं उस यात्रा पे, सेकंड बिजनेस, थर्ड बिजनेस, फोर्थ बिजनेस, फिफ्थ बिजनेस, क्यों जाते हैं वो? क्योंकि उनको एक नया चैलेंज चाहिए। वो इसलिए नहीं जाते कि 100 करोड़ यहां बना दिया, अब 200 क्या करोगे इतने पैसे का भाई, क्या खरीदोगे तुम? प्राइवेट जेट ही तो खरीदोगे, प्राइवेट जेट आ जाता है भाई, प्राइवेट जेट आ जाएगा 20-30 करोड़ 40 करोड़ में आ जाता है, खत्म।
कितना तुम प्राइवेट, कितने प्राइवेट जेट लोगे? ये कोई प्राइवेट जेट लेने में अगर आपको सच में मजा आता तो आप सच में एंटरप्रेन्योर बनते ही नहीं, क्योंकि जिस इंसान को फलों पे फोकस करके काम करना होता है वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। द फ्रूट्स ऑफ एक्शन इज द कॉन्सेंट्रेशन, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर बड़ा होता ही इसलिए है, एक बिजनेसमैन बड़ा होता ही इसलिए क्योंकि उसको यात्रा पे फोकस करना होता है। ही लव्स द यात्रा, हिज एंड गोल इज नॉट BMW, उसका एंड गोल BMW नहीं है, उसका एंड गोल प्राइवेट जेट नहीं है, उसका एंड गोल है वो यात्रा जो वो कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो यात्रा है उसका एंड गोल वो है, क्योंकि उस यात्रा में उसको चुनौती मिलती है। चुनौती अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ डिफरेंट करने की। अब यहां पे आके हमें इतना समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपने एक काम को कॉन्कर किया, लेट्स से आप एक डॉक्टर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, डॉक्टर के सब जानते हुए रिलेट भी करेंगे। एक डॉक्टर ने सर्दी खांसी जुकाम कॉन्कर कर लिया, ट्यूबरक्लोसिस जॉन्डिस ये सब कॉन्कर कर लिया, उसको डायग्नोस करना आता, सब कुछ आ गया। अब वो कह रहा है कि मुझे न्यूरो क्रैक करना है, न्यूरो बैक सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करनी है मुझे सर्जन बनना है। तो पहले वो नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या होता है, जो हड्डियों और मसल्स की जो ईजी सर्जरी होती है कंपेरेटिवली टू न्यूरो सर्जरी, उसमें जाएगा। फिर वो कहेगा कि ना मुझे ना हड्डियों का करना है, फिर वो कहेगा मुझे रीढ़ की हड्डी करनी है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी करनी है जो सबसे मुश्किल होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी में वो चला जाएगा और वहां पे लगाएगा साल। अब क्या होगा, उसके ऐसे करते करते 2-3 साल निकल जाएंगे। अभी उसके पास चुनौती है, क्यों, क्योंकि वो न्यूरो सर्जरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक गोल है, ही हैज सम चैलेंज। चैलेंज क्या है, कि वो हड्डी निकालनी है और स्पाइनल कॉर्ड खराब नहीं होनी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, जो ब्लेड है उसमें प्रिसीजन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, नया कुछ आ रहा है उसकी प्रैक्टिस हो रही है। अब क्या होता है, अब देखो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कोई नहीं आता। अब क्या होता है कि ओवरऑल जितना भी सर्जरी का वो है वो खत्म कर दिया उसने खा पी के। सर्जरी का जितना भी ओवरऑल जो कुछ भी है उसने खा पी के खत्म कर दिया, मतलब उसने क्या कर लिया, उसने दवाई जनरल फिजिशियन, उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन कॉन्कर किया, उसने न्यूरो क्रैक कर लिया, न्यूरो सर्जन कॉन्कर किया। अब क्या करोगे तुम, हार्ट सर्जरी तुमने कर ली, तुमको हार्ट सर्जरी भी आती है, यू आर द बेस्ट हार्ट सर्जन, बेस्ट न्यूरो सर्जन, बेस्ट व्हाटएवर। अब क्या करोगे, अभी भी एक पॉइंट आएगा कि पहाड़ की चोटी पे तुम चढ़ोगे और उसके बाद वो पहाड़ की चोटी खत्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रेसेंट पॉइंट, ठीक है, एकदम ऊपर आप पहुंच गए और अब उसके ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं, अब सिर्फ नीचे उतरना है। तो अब नीचे उतरने में किसी को एफर्ट लगता है क्या, कोई एफर्ट नहीं लगता, क्या एफर्ट लगता है किसी को नीचे उतरने में, कोई एफर्ट नहीं सर। तो अपना नीचे आप डोल जाओ, अपने आप नीचे नीचे चले जाओगे। तो अब अगेन वहां पे जैसे ही वो क्रेसेंट पे पहुंचा, पहाड़ की पीक पे पहुंचा, चोटी पे पहुंचा, हुआ क्या, ध्यान देना, हुआ क्या कि चुनौती खत्म हो गई, देयर इज नो चैलेंज नाउ, क्योंकि उसने पूरा का पूरा डॉक्टरी सिस्टम सैचुरेट कर मारा, जो मेडिकल है, मेडिकल साइंस है, उसने सैचुरेट कर मारा भाई, कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब क्या होगा, अब क्या करोगे तुम, 10 साल तुम्हारे निकल गए, अब तुम्हारी लाइफ के 50 साल और बचे, अब क्या करोगे, अब दो चीजें करोगे, या तो तुम पॉलिटिक्स में जाओगे, न्यूज की बातें करोगे, दारू पियोगे, इंद्रिय तृप्ति में जाओगे, सेंसेस तुम्हारा ध्यान खींचने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो एनर्जी निकालने के लिए अभी तक तुम्हारे पास चैलेंज था, जो ऊर्जा थी उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास एक चुनौती थी, लेकिन अब ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि ऊर्जा निकलने का वरदान है इंसान को, ऊर्जा निकलना ही निकलना है, ऊर्जा तुम दबा के नहीं रह सकते, ये कोई तुम्हारा 1000-2000 के नोटे नहीं है कि तुमने बैंक में डाल दिया पड़ा हुआ है, ये एक ऐसा धन है जिसको तुम्हें निकालना ही होगा, जिसको तुम्हें खर्चना ही होगा, ये एक ऐसा धन है, ऊर्जा एक ऐसा धन है जिसको तुम्हें खर्चना होगा सर, ये कोई वो बैंक नहीं है कि वहां डाल दिया पड़ा हुआ है सेव कर रहे हो, देयर इज नो सेविंग,
देर इज नो सेविंग बैंक्स इन द रेलम ऑफ लाइफ, देर इज नो सेविंग बैंक, कोई बैंक नहीं है इस दुनिया में, याद रखिए। अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अब इस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि फंडामेंटल चुनौती चाहिए लाइफ में, तो आदमी कहेगा मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, अब मैं मजे मारूंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अगर आप एक डॉक्टर हो, आपके साथ ये हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है मेरे से सुन लो, अपनी लाइफ को एक्साइटिंग कैसे करना है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अपनी लाइफ को एक्साइटिंग कैसे करना है सुन लो। आप कोई भी स्किल अचीव करते हो, वो स्किल का एक पीक पॉइंट होता है, उसके बाद वहां से सैचुरेशन हो जाता है और कुछ नहीं बचता। अब आपको एक दूसरी स्किल ढूंढनी है, आपको वो पूरी फील्ड ही चेंज करनी है। मतलब क्या, अपना डॉक्टरी करते रहो साइड में, अपना डॉक्टरी करते रहो, अब साइड में आप जिम ज्वाइन कर लो। अब आप जिम में अगर रेगुलर रहना चाहते हो तो यू नीड टू मेक मोर चैलेंजेस, तो अपना दिमाग जिम में लगाओ कि अब मैं जिम कैसे करूंगा। जरूरी नहीं है कि जिम करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यू नीड टू अक्वायर अ डिफरेंट एक्टिविटी नाउ, अब उसमें आप अपना ध्यान लगाओ, उसमें अपने आप को कॉन्कर करो, ठीक है। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी संदीप महेश्वरी की, उसमें ही इज कॉन्करिंग ही वॉज डूइंग मेंटलिज्म। बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा लोगों के अंदर कि ये अभी मोटिवेशनल स्पीचेस से मेंटलिज्म क्यों करने लगा ये, क्योंकि लोग बेवकूफ है। लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट अ वर्क, लाइफ इज नॉट अबाउट यू डूइंग जस्ट अ सिंगल ऑक्यूपेशन, लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरिंग, लाइफ इज अबाउट कॉन्करिंग ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड। एक पर्टिकुलर काम में तुमने पीएचडी कर ली, अब उस पीएचडी को छोड़ो, कुछ और करो, किसी दूसरी चीज में पीएचडी करो, एकदम कोई दूसरी चीज करो ना, दूसरी हॉबी पकड़ो। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो तो एक कोई हॉबी पकड़ो, स्विमिंग पकड़ लो जो आपको इंटरेस्ट लेता है। आपने स्विमिंग पकड़ लिया, क्योंकि नौकरी में तो आपको कुछ करने को मिलेगा नहीं, एक डॉक्टर हो तो अलग चीज है, उसमें आप कर सकते हो, नौकरी में तो आपको ये काम करने हैं, ये डेडलाइन है, ये करना, दैट्स इट। स्विमिंग पकड़ लो और स्विमिंग को अच्छे से ये समझते जाओ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप जैसे स्विमिंग पकड़ोगे, आपको पता पार्थ ने क्या बोला है, अभी बेसिक लेवल पे हूं स्विमिंग में मैं, अब मुझे इसको थोड़ा चैलेंजिंग करना है, अब और कुछ और नया सीखो, कुछ और नया सीखो, अपने स्किल को अपग्रेड करते जाओ स्विमिंग में। अब तुम देखोगे तुम एक बेस्ट डॉक्टर हो, और धीरे धीरे दो तीन साल चार साल में जो फंडामेंटल्स है उसमें आप एक बेस्ट स्विमर हो, यू आर द बेस्ट स्विमर। ऐसे लाइफ को जिया जाता है। अगर आज मैं अपनी बात करूं, मुझे 14 साल हो गया सिंगिंग करते करते, आज से 5 साल पहले मैंने गिटार स्टार्ट कर दिया था, 5-6 साल हो गए मेरे को गिटार बजाते बजाते, सिंगिंग मैंने आज से 14 साल पहले चालू करी है। अब मुझे ना म्यूजिक में बहुत सारी चीजें, कीबोर्ड है, ये है, वो सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हम ना सैचुरेट हो जाते हैं एक पॉइंट पे जाके। अब गिटार में भी हम सीख लेंगे कुछ और वही बजा रहे हैं सालों, एक ही धुन सीख लिए और वही धुन, वही स्ट्रमिंग पैटर्न और वही सब बजाए जा रहे हैं। कुछ नया सीखो ना, कुछ नया सीखो, डू समथिंग न्यू, फाइंड समथिंग न्यू वीडियो, समथिंग न्यू ट्यूटोरियल, ट्राई टू प्ले समथिंग मोर चैलेंजिंग। सो इफ यू प्ले समथिंग मोर चैलेंजिंग, इनएविटेबली आपको मजा आएगा लाइफ में और आप एक बेटर गिटारिस्ट बनोगे। अगर आपको स्ट्रमिंग पैटर्न कॉन्कर हो गए सारे दुनिया के, वैसे तो पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन अगर कॉन्कर हो गए तो आप कुछ और लीड बजाओ, आप एक नया गाना सीखो, आप एक और डिफिकल्ट गाना सीखो। आप इजी गाना क्यों सीख रहे हो, आप डिफिकल्ट गाना सीखो। और म्यूजिक को छोड़ ही दो ना, अगर म्यूजिक कॉन्कर हो गया है सारा, तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप 15 साल से एक ही फील्ड में हो और अलग अलग सब सेगमेंट्स कर रहे हो उसमें, सिंगिंग ये वो, उसको छोड़ दो, कुछ और सीखो एकदम टोटली न्यू, स्विमिंग ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, कुछ नया सीखो, योगा करो। योगा में अगर कर रहे हो तो ये नहीं कि योगा इसलिए करना है बस अपनी हेल्थ चाहिए, अरे योगा कर रहे हो तो आप कुछ नया करो, कुछ नया आसन करो, कुछ बढ़िया करो लाइफ में। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो माइंड में, मैंने अभी तक बहुत कुछ कर रखा है, जब मैंने म्यूजिक व्यूजिक किया
तो मैंने ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट कर दी थी माइंड की अपनी। तो ऑब्जर्वेशन करना भी एक एक्टिविटी है, स्किल है, रिफाइनिंग होती है इसकी। ऑब्जर्व करो माइंड को, एक एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करो। वहीं से तो समझ में आया कि लाइफ में चुनौती चाहिए। चुनौती सिर्फ इसमें नहीं कि आपको अपने काम में चुनौती चाहिए, हो सकता आपके काम में वो चुनौती ना बची हो तो आप दूसरे काम में चुनौती पकड़ो। लाइफ में कभी खाली बैठोगे तो सफरिंग होगी, कुछ करते रहो, कुछ अपनी जो एनर्जीज हैं उसको ऐसे यूटिलाइज करो कि कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया। यही तो प्रॉब्लम है, चीजें लूप में चली जाती, रिपीटेटिव मोड में चले जाते, लोग सेंसरी में चले जाते हैं। सो हमेशा कुछ नया करो। अगर अपने काम में सैचुरेट हो गया तो नए काम में करो। कैसे करना है समझ लो। वो चीज मत करो जो तुम्हें आती है, वो करो जो तुम्हें नहीं आता, और वो चीज करो जो ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा कठिनाई है, जिसमें थोड़ा सा ऊपर है, एकदम बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। लाइक जीना चढ़ रहे हो, जीना, अब जीना से स्टेज चढ़ो धीरे धीरे, लैडर, यू आर क्लाइंबिंग अ लैडर, धीरे 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 आप करते रहोगे, एक नई स्किल आ जाएगी। नाउ आप एक बेस्ट डॉक्टर हो, आप एक बेस्ट स्विमर हो, या फिर एक बेस्ट गिटारिस्ट हो। कई लोग जॉब करते हैं, मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा सपना था गिटार बजाने का तो बगल में गिटार बजाओ ना, क्या टेंशन है। नहीं, मुझे एक चार पांच लड़की पटानी है और उसके बाद सबके साथ संभोग करना है, क्योंकि सबके अलग ब्रेस्ट हैं तो मज़ा आता है उसको दबाने में। तो ठीक है करो, फिर क्या कर सकते हैं अब। अगर तुम यही कर रहे हो, एनिमल इंस्टिंक्ट है तुम्हारे अंदर, तो तुम यही करोगे। ये हैं लोग, ऐसे लोग हैं, इनको लगता है कि उसमें कुछ पड़ा हुआ है। तो इन लोगों को कोई समझा नहीं सकता लाइफ में, इनको क्या समझाओगे। ये अपने आप को तबाह करने में, चार्ली शीन का नाम सुनोगा, टू एंड हाफ मैन में एक एक्टर है, टू एंड हाफ मैन सीरियल आता है कॉमेडी, उसमें एक एक्टर था चार्ली शीन, बर्बाद हो गया, एड्स हो गया उसको। इतना कोकेन, इतना ड्रग्स, और सबके साथ सेक्स करता था, वो प्रोस्टिट्यूट था, प्रोस्टिट्यूशन करता था वो सब। अरे इतना बड़ा सेलिब्रिटी, उसको एड्स हो गया, HIV है उसको, सड़क पे आ जाता है, दारू पी के पता नहीं क्या बात करता रहा। चार्ली शीन नाम है, सर्च करना कभी, टू एंड हाफ मैन का एक्टर है। बर्बाद हो गए लोग भाई। तुमको लगता है कि तुम हॉलीवुड को, बॉलीवुड को कॉन्कर कर लोगे तो तुमको मजा आने वाला है। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? कितने लोगों ने माइकल जैक्सन नाम सुना है यहाँ पे? सबने सुना है। क्या हुआ उसके अंत में? डांस कॉन्कर किया, सिंगिंग कॉन्कर किया, क्या नहीं कॉन्कर किया उस आदमी ने, कोरियोग्राफी, म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक अरेंजमेंट्स, ठीक है, क्वायर, और क्या था, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक वीडियोस, एक एक चीज वो खुद डिजाइन करते थे माइकल जैक्सन। म्यूजिक वीडियो, एवरीथिंग वाज, ही वाज कॉन्करिंग, बट ही वाज फीलिंग अलोन, ही हैज दिस प्रॉब्लम। तो सो अगर आपको ये लगता है कि तुम बॉलीवुड में बहुत बड़े सिंगर बन जाओगे, एक्टर बन जाओगे, मजा आने वाला है, तुमको पता है ना बॉलीवुड में आजकल क्या हो रहा है, पीपल आर, रोज ड्रग्स के केसेस आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मजा नहीं आ रहा है। जो ये सोच के मुंबई गए थे, आज इनको फिल्में भी मिल रही है, एक्टिंग, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग द चैलेंजेस। कौन एक्टर इंप्रूव हुआ है? सब सैचुरेशन लेवल पे है, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी, सब सैचुरेशन लेवल पे, कोई इंप्रूव हुआ है आज तक? और एक तरफ एक ऐसा एक्टर को मैं आपको नाम बताऊंगा, उसने अपने आप को हमेशा इंप्रोवाइज किया है। एक सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने अपने आप को हमेशा इंप्रोवाइज किया है, आज भी वो इंप्रोवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज फाइंडिंग अ मोर चैलेंजिंग थिंग। एक एक्टर है बहुत अच्छे, उनका मैं नाम बताऊंगा, उनका नाम क्या था, मैं भूल रहा हूं उनका नाम। वो अलग अलग रोल्स करते रहते हैं। उनकी एक मूवी आई थी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, बहुत सारी म्यूजिक, तो हमेशा वो करते रहते हैं। उनका नाम शायद ब्रैड पिट, यस। तो वो अपने आप को हमेशा, उसके तुम रोल्स देखो तो अलग अलग रोल्स में वो मिलेगा आपको हमेशा करते हुए। ही इज फाइंडिंग मोर चैलेंजिंग समथिंग। तो ऐसा नहीं स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्प नहीं करेगी, स्पिरिचुअलिटी इंटरनल वर्ल्ड के लिए है, लेकिन एनर्जी का क्या करोगे, एनर्जी का क्या करोगे, वो भी तो एक सफरिंग क्रिएट करती है लाइफ में।
तो उस एनर्जी को कहाँ रखना है वो भी ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी फिर नीचे से निकलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।